नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज हांगकांग, चाइना का जो मुद्दा है इसी पर बात करेंगे। तो देखेंगे कि हांगकांग मुद्दे की पृष्ठभूमि देखेंगे एक सामान्य, और विरोध क्यों वहाँ हो रहा है इसके पर भी हम लोग बात करेंगे, और जो अभी प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं, आखिर प्रदर्शन हो रहा है वहाँ, और हांगकांग की स्थिति क्या रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, और इस पर भारत का क्या रुख है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैप्स में ले जा चलता हूँ और हांगकांग की स्थिति बताता हूँ। देखिए, मेरा पहले दिन से ही, जब से हमारे सैनिक शहीद हुए हैं तभी से मेरा मानना था कि भारत को, देखिए आप जानते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करना, वाइकोट करना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। भावनाओं में आप बहकर, हम भी, हमें भी गुस्सा है, आपको भी गुस्सा है, पूरे देश को गुस्सा है, क्योंकि हमारे यहाँ के सैनिक, 20 सैनिक जवान शहीद हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो भावनाओं में, गुस्सा में एक बार कदम उठा सकते हो आप, चीनी सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन हम, आप सोचिए इतनी बड़ी तादाद में हम चीनी सामानों पर निर्भर हैं कि ये नहीं हो सकता है। पूरी तरह से एक बार में बहिष्कार करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अभी देखिए, कल ही परसों जो आपकी दवाई होती है, वैक्सीन होती है, इनके लिए हम 70% तक कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर रहते हैं, और कल ही हम लोगों ने चीन से एक सौदा किया हुआ है, मतलब दवाइयों का जो कच्चा माल था उस मंगवाया भी है। तो ऐसा नहीं होता है, पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन भारत को चीन को पछाड़ने के लिए या चीन को रोकने के लिए, विस्तारवादी नीति की, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इसे रोकने के लिए 2-3 कदम उठाना चाहिए। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि इसी में पार पा सकते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है प्यारा, एशिया में ही हमारा भारत है, और चाइना भी आपका एशिया में ही है। ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और उसके बाद ये आपका बांग्लादेश है, और नीचे आपका श्रीलंका है। देखिए, ठीक, हमारे पड़ोसी देश हैं। अब चीन की बात करें, देखिए चीन से हमारी सीमा नहीं लगती थी, लेकिन जब से तिब्बत वाले, तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, तब से हमारी सीमा चीन से लगने लगी। तो हमेशा से बोलता आया हूं कि चीन जो तिब्बत का मामला है, इसे हमें उठाना चाहिए चीन के विरोध में। और दूसरा, यहाँ हांगकांग, देखिए ये है हांगकांग, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तीसरा, ताइवान के मुद्दे को उठाना चाहिए हमें। तो यहाँ हांगकांग की, यहाँ की बात की जा रही, तो आप समझ सकते हैं कि तीन मुद्दे हमारे लिए हैं जो हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक ले जा सकते हैं। हम हर जगह इस मुद्दे पर साथ दे सकते हैं अन्य देशों का, तो चीन के भी समझ में आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब पीओके में कुछ भी होता है तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है हमेशा। और आपने देखा है अजहर मसूद को आतंकवादी ठहराने में, आप समझ रहे हैं कितनी मुश्किल आई हुई है। हर बार चीन वीटो पावर कर देता था, लेकिन लास्ट में चीन पर दबाव पड़ा, उसके बाद ही चीन ने वीटो पावर नहीं दिया है। तो हमें भी अब इन सामरिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुद्दा उठाना चाहिए। दक्षिण चीन सागर का मुद्दा हो गया है, ये है आपका साउथ चीन, चीन से यहाँ का मुद्दा हो गया, ठीक है, हांगकांग का हो ही गया, ताइवान, तिब्बत, इन सभी का मुद्दा हमें भी उठाना चाहिए, और हमें भी विरोध करना चाहिए चाइना का। तो चलते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। कि चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए पहली बार भारत हांगकांग मुद्दे पर स्टैंड ले रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम अभी तक किसी भी देश के साथ पहले से बुराई नहीं करना चाहे। देखिए, चीन, हर देश हांगकांग मुद्दे पर कुछ स्टैंड लेते रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिया हुआ था। हमने तिब्बत पर आज तक कुछ नहीं बोला है, हमने ताइवान वाले मुद्दे पर आज तक चीन के विरोध में कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमें अब ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, हांगकांग मुद्दे की पृष्ठभूमि की बात करें हम लोग, तो 1997 तक हांगकांग को ब्रिटेन द्वारा एक उपनिवेश के रूप में शासन किया गया था। पुनः यह चीन के अंतर्गत एक देश दो प्रणाली व्यवस्था के तहत, इसमें कुछ स्वायत्तता है और यहाँ लोगों को अधिक अधिकार के साथ शासित होने लगा है। क्या है, यहाँ कुछ अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं जिसके तहत चाइना में, आप देखिए कि लोकतंत्र नहीं है पूरी तरह से, आप समझ सकते हैं कि वहां हम, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमें विरोध प्रदर्शन करने की छूट है पूरी तरह से, वहां इस तरह की छूट नहीं है। हमारी यहाँ की मीडिया कुछ भी बोल सकती है, वहां इस तरह की मीडिया नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन हांगकांग में कुछ स्वायत्तता थी और बोलने की भी इस तरह की आजादी मिली हुई थी। प्रत्यर्पण विधेयक के मुद्दे पर दोनों व्यवस्थाओं में मतभेद सामने आया है। प्रत्यर्पण विधेयक को सितंबर में वापस ले लिया गया था, तदुपरांत पूर्ण लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु हांगकांग में प्रदर्शन आरंभ हो गए हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें तेजी से हिंसक हो गई हैं। कहाँ, हांगकांग की बात कर रहा हूं,
जिसमें पुलिस की ओर से गोलियों की बौछार और प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर हमला किया और पेट्रोल बम फेंके। याद रखिए क्या होता है कि चीन में अगर कोई प्रदर्शन होता है तो रातों रात गायब करवा दिया जाता है, अपने ही सैनिकों पर गोलीबारी करवा दी जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता है। बाहरी देशों को आप सुनते रहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, कई जातियों पर अत्याचार होता रहता है। ठीक है, पहला विरोध शुरू करने वाले प्रत्यर्पण बिल को अप्रैल में पेश किया गया था चीन की तरफ से। इसमें कुछ परिस्थितियों में आपराधिक संदिग्धों को मुख्य भूमि चीन में प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी हुई। विरोधियों ने कहा है कि इसने हांगकांग के लोगों को अनुचित परीक्षणों और हिंसक उपचार के लिए जोखिम में डाल दिया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बिल हांगकांग पर चीन को अधिक प्रभाव देगा और कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को लक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हजारों द्वारा हफ्ते के विरोध प्रदर्शन के बाद हजारों लोगों द्वारा हफ्तों के प्रदर्शन के बाद यानी कि कई दिनों के प्रदर्शन के बाद नेता कैरी लैम ने अंततः कहा कि बिल अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। विरोध आखिर बढ़ा कैसे बढ़ा? प्रदर्शनकारियों को डर था कि बिल को पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसलिए प्रदर्शन जारी रहे। इसे पूरी तरह से वापस लेने का आह्वान किया गया। तब तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें लगातार और हिंसक हो गई थी। अक्टूबर में जब चीन 70 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का जश्न मना रहा था, हांगकांग ने अपने सबसे हिंसक और अराजक दिनों में से एक का अनुभव किया। नवंबर में हांगकांग की पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच मोर्चाबंदी और निर्णायक क्षण बन गया। उस महीने के बाद इस क्षेत्र में स्थानीय परिषद के चुनाव हुए, जिन्हें जनता की राय में बैरोमीटर के रूप में देखा गया। वोट ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के लिए एक शानदार जीत देखी, जिसमें 18 में से 17 परिषदें अब लोकतंत्र समर्थक पार्षदों द्वारा नियंत्रित हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि 18 में से 17 परिषद लोकतंत्र के समर्थन में यानी कि इस आंदोलन के समर्थन में, फिर भी चीन जबरदस्ती कब्जा किए हुए है। बात करते हैं प्रदर्शनकारियों को क्या चाहिए। सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर व्यापक रूप से हांगकांग और मुख्य भूमि चीन के बीच संघर्ष का एक प्राथमिक कारण माना जाता है। हांगकांग के लोगों और मुख्य भूमि के बीच के मतभेद, जैसे कि भाषा, साथ ही साथ मुख्य भूमि आगंतुकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि ने तनाव पैदा किया है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आदर्श वाक्य को अपनाया, पांच मांगे एक कदम नहीं। पांच मांगे कौन कौन सी हैं? विरोध प्रदर्शनों के लिए दंगा नहीं होना चाहिए, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के लिए माफी, कथित पुलिस बर्बरता की एक स्वतंत्र जांच, पूर्ण सार्वजनिक मताधिकार का कार्यान्वयन। पांचवी मांग है कि प्रत्यारोपण विधेयक को वापस लेना, पहले ही पूरा हो चुका है। हांगकांग आंदोलन का समर्थन वाले विरोध दुनिया भर में फैल गए। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रैलियां हो रही हैं। कई मामलों में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले लोग बीजिंग समर्थक रैलियों का सामना कर रहे थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अलगाववाद के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि चीन को विभाजित करने का कोई प्रयास निकायों को धब्बा और हड्डियों को पाउडर बनाने के लिए समाप्त हो जाएगा। हांगकांग की स्थिति की बात करें तो यह 150 से अधिक वर्षों के लिए ब्रिटिश उपनिवेश था। इसका एक हिस्सा हांगकांग द्वीप 1842 में एक युद्ध के बाद ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। बाद में चीन ने हांगकांग के बाकी हिस्से में को भी सौंप दिया। अंग्रेजों को 99 साल की लीज प्राप्त हुई इस पर। यह एक व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह बन गया हांगकांग, और इसकी अर्थव्यवस्था 1950 में एक विनिर्माण केंद्र बन गई। मुख्य भूमि चीन में अस्थिरता, गरीबी, उत्पीड़न से पलायन करने वाले प्रवासियों और असंतुष्टों के साथ यह क्षेत्र भी लोकप्रिय था। फिर 1980 के दशक की शुरुआत में, जैसा कि 99 वर्ष के पट्टे के लिए समय सीमा तय की गई थी, ब्रिटेन और चीन ने हांगकांग के भविष्य पर बातचीत शुरू की। चीन में कम्युनिस्ट सरकार ने तर्क दिया कि हांगकांग के सभी चीनी शासन को वापस आ जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने 1984 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो 1997 में एक देश दो प्रणाली यानी कि चाइना एक देश हो गया। इस पर दो प्रणाली, चीन में अलग, चाइना में अलग प्रणाली होगी और हांगकांग में अलग प्रणाली होगी। किस सिद्धांत के तहत? हांगकांग में चीन को लौटा दिया। इसका मतलब था कि चीन के साथ एक देश का हिस्सा बनने के दौरान हांगकांग 50 वर्षों तक
विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का एक उच्च स्तर का आनंद लेगा। नतीजतन हांगकांग की अपनी कानूनी प्रणाली और सीमाएं हैं, और विधानसभा की स्वतंत्रता, मुक्त भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सहित अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन ये चीन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे सब, ठीक है? उदाहरण के लिए चीनी क्षेत्र में उन कुछ स्थानों में से एक है जहां लोग 1989 के तियानमेन स्क्वायर की तबाही की याद कर सकते हैं, जहां बीजिंग में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सेना ने गोलियां चला दी। इसकी अपनी न्यायपालिका है और मुख्य भूमि चीन से एक अलग कानूनी प्रणाली है, और अधिकारों में विधानसभा की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता शामिल है। लेकिन उस स्वतंत्रता मूल कानून 2047 में समाप्त हो रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि हांगकांग की स्थिति फिर क्या होगी, और चाइना चाहेगा कि पूरी तरह से कब्जा हो जाए उस पर। अगर हम लोग भारत के रुख की बात करें कि भारत का इस पर रुख क्या है, चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के संभावित परिणाम के रूप में भारत ने हांगकांग में नई सुरक्षा कानून पर विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उसे उम्मीद थी कि संबंधित पक्ष चिंताओं को ठीक से, गंभीरता से और निष्पक्ष रूप से संबोधित करेंगे। चीन की संसद ने हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया जो स्थानीय कानून को खत्म कर देगा और सुरक्षा एजेंसियों को व्यापक अधिकार देगा। यह एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए अनुमति देता है जो स्थानीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगी। इसके अलावा कानून चीनी मुख्य भूमि अधिकारियों को विदेशी देशों से जुड़े मामलों या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। यह एकांत दंगा, आतंकवाद और विदेशी ताकतों के साथ आजीवन कारावास तक की सजा के अपराधों के लिए भी अनुमति देता है। एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आप देख रहे हैं कि WHO का मुद्दा हो, ईरान का हो, फिर चाहे अफगानिस्तान का हो, जहां से अमेरिका निकल रहा है चीन तुरंत एंट्री कर रहा है, यानी कि चीन वहां जा रहा है और चीन चाह रहा है कि यह महाशक्ति बन जाए अमेरिका को पछाड़ कर। तो इसमें भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं? इसमें भारत भी अब महाशक्ति बनने की कगार पर खड़ा हुआ है। आप सोचिए, जहां हर जगह बोलना चाहिए हमें भारत को, जहां भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं तुरंत भारत को भी खड़ा होना चाहिए, वरना आप हालत देख ही रहे हैं कि हमारा पड़ोसी नेपाल जो हमारी ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, आज वो भी सिर उठाने लगा है और चीन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा है। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर नाराज नागरिकों के साथ जून 2019 से हांगकांग विरोधी प्रदर्शनों के बाद हांगकांग में नया कानून आने के बाद नया कानून आया। जब चीन ने पूर्व का नियंत्रण ले लिया तब एक देश दो व्यवस्था की अवधारणा के विपरीत था। भारत का बयान दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे सत्र में उसके प्रतिनिधि द्वारा किया गया था। भारत ने पहली बार वन चाइना पॉलिसी के संदर्भ में कोई पक्ष रखा है। यह चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाने हेतु किया गया है और बहुत अच्छा किया गया है, याद रखिए, ठीक है? तो ये कहानी है आपकी हांगकांग मुद्दे की।